वीडियो में हम देखने वाले हैं असेंट ऑफ सैप। असेंट ऑफ सैप क्या है, झाइलम एनाटॉमी क्या है और असेंट ऑफ सैप का मैकेनिज्म क्या है, इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो पहले देखते हैं हम डिफिनेशन। द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू झाइलम इज नोन एज असेंट ऑफ सैप। असेंट ऑफ सैप मतलब क्या, वाटर एंड मिनरल्स की मूवमेंट होती है, अपवर्ड मूवमेंट होती है फ्रॉम द रूट्स टू द एरियल प्लांट थ्रू झाइलम। झाइलम के तहत वाटर एंड जो मिनरल्स है वो रूट से ऊपर वाले हिस्से में चले जाते हैं थ्रू द झाइलम इज नोन एज असेंट ऑफ सैप। असेंट ऑफ सैप जो होता है उसके लिए झाइलम रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके लिए हम देखेंगे झाइलम एनाटॉमी। इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स टिश्यू ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग सेल्स। जो झाइलम है इसके पास लिविंग एंड नॉन लिविंग सेल्स होते हैं, इसलिए उसको कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहा गया है। इट कंसिस्ट ट्रैकीट्स एंड वेसल एलिमेंट्स। इसके पास ट्रैकीट्स होती है एंड वेसल एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, हालांकि वेसल एलिमेंट्स एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट भी होते हैं। ट्रैकीट्स के बारे में देखते हैं। ट्रैकीट्स आर इलोंगेटेड स्पैंडल शेप्ड सेल्स। जो ट्रैकीट्स है वो इलोंगेटेड है एंड उनका शेप कैसा है, स्पैंडल शेप्ड सेल्स है। द ट्रैकीट वॉल्स आर लिग्निफाइड विद द ओपनिंग्स इन द वॉल कॉल्ड द पीट्स। जो ट्रैकीट्स के वॉल्स है वो लिग्निफाइड हुए हैं इन द ओपनिंग्स ऑफ द वॉल इज नोन एज पीट्स। पीट्स क्या है, तो पीट्स एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, उसके पास सेकेंडरी वॉल अब्सेंट होता है एंड द प्राइमरी वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन वो बहुत थिन होता है। सेकेंड आता है वेसल एलिमेंट्स। वेसल एलिमेंट्स बहुत शॉर्टर है एंड वाइडर इन दैन ट्रैकेट्स। ट्रैकेट्स के जैसे वो बहुत शॉर्टर है लेकिन वो उससे भी वाइडर है। दे हैव परफोरेशन प्लेट्स एट द एंड ऑफ द ईच सेल। जो ईच सेल का जो एंड होता है वहाँ पे उनके पास परफोरेशन प्लेट प्रेजेंट है। परफोरेशन प्लेट का काम क्या है, इट हेल्प्स इन द ओपनिंग ऑफ द एंड ऑफ वॉल। जो वॉल्स के एंड है वो एंड्स को ओपनिंग करने का काम परफोरेशन प्लेट्स करते हैं ड्यूरिंग द वाटर अप एंड वाटर आउट। सो फर्दर वाटर मूवमेंट विल ऑकर। वाटर ट्रांसपोर्ट इज यूनि डायरेक्शनल प्रोसेस। जो वाटर मूवमेंट है, वाटर मूवमेंट होता है थ्रू द झाइलम, तो इसके लिए वेसल एलिमेंट्स एंड ट्रैकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो यूनि डायरेक्शनल प्रोसेस है, हालांकि ये बाय डायरेक्शनल प्रोसेस नहीं है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मैकेनिज्म ऑफ असेंट ऑफ सैप। तो इसमें मैकेनिज्म देखने के लिए हमारे पास दो इंपॉर्टेंट थेरीज है। पहली थेरी है रूट प्रेशर थेरी एंड सेकंड थेरी है कोहेजन टेंशन थेरी। रूट प्रेशर थेरी ये कहती है कि रूट प्रेशर क्रिएट किया जाता है और उसकी वजह से वाटर पुल अप हो जाता है, वाटर की मूवमेंट होती है टूवर्ड्स द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट थेरी है कि रूट प्रेशर क्रिएट किया जाता है। मैग्नीट्यूड ऑफ द रूट प्रेशर इज वेरी लो, विच इज अबाउट 2 atoms। इवन इन द अब्सेंस ऑफ रूट प्रेशर अब्सेंट ऑफ सैप कंटिन्यूज। इन जिम्नोस्पर्म्स रूट प्रेशर इज रेयरली बीन ऑब्जर्वड। सेकेंड थेरी आती है कोहेजन एंड टेंशन थेरी। इस थेरी का निर्माण किया था डिक्सन एंड जॉली ने। कोहेजन मतलब क्या, द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसमें उनमें जो म्यूचुअल अट्रैक्शन है उसको कोहेजन कहा जाता है। लेकिन ड्यू टू ट्रांसपिरेशन एंड कोहेजन एंड एडिशन ऑफ वाटर, ये जो कोहेजन टेंशन थ्योरी है वो पूरा डिपेंड है कोहेजन एडिशन एंड द ट्रांसपिरेशन के ऊपर। कोहेसिव फोर्स जो होता है, कोहेसिव फोर्स डेवलप्ड बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स मेक द वाटर इन द कंटिन्यूस इन द झाइलम कॉलम। कोहेसिव फोर्स डेवलप किया जाता है इन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। क्यों डेवलप किया जाता है, क्योंकि जो झाइलम में जो कंटिन्यूस कॉलम है उसमें वो कंटिन्यूसली फ्लो में रहे, इसीलिए। एडहेसिव प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर एंड वॉल्स ऑफ द झाइलम फर्दर इंश्योर दैट द कंटिन्यूटी ऑफ वाटर इन द झाइलम। जो झाइलम कॉलम में जो वाटर कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है वो कैसे उसको इंश्योर किया जाता है, तो विद द हेल्प ऑफ एडहेसिव प्रॉपर्टीज उसको इंश्योर किया जाता है। वन एंड ऑफ द झाइलम ट्यूब इज कनेक्टेड विद द रूट हेयर्स वाय द पेरिसाइकल एंडोडर्मिस एंड कॉर्टेक्स एंड अनदर एंड इज कनेक्टेड विद द स्टोमेटा कैविटी वाया मेसोफिलसिस। जो वन एंड है, एक एंड है झाइलम ट्यूब का, वो कनेक्ट है रूट हेयर्स को वाया पेरिसाइकल एंडोडर्मिस एंड कॉर्टेक्स के तहत। और जो दूसरा एंड है, वो दूसरा एंड कनेक्टेड है स्टोमेटा कैविटी को थ्रू मेसोफिलसिस। दिस ट्यूब इज फील्ड विद वाटर एंड ड्यू टू कोहेसिव एडहेसिव फोर्स इट फॉर्म्स कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर कॉलम। ये ट्यूब फील्ड होती है वाटर से, लेकिन वाटर का मूवमेंट होना जरूरी है, तो इसके लिए कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स इंपॉर्टेंट होते हैं।
पुलिंग फोर्स डेवलप्ड बाय ट्रांसफरेशन एंड वाटर इज पुल्ड बाय द झाइलम, एंड उसकी वजह से एडहेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टीज की वजह से झाइलम में जो कॉलम है वाटर कॉलम वहाँ पे पुलिंग फोर्स डेवलप होता है और उसकी वजह से वाटर क्या होता है पुल अप होता है बाय द झाइलम। बट उसके लिए ट्रांसपरेशन प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस फिगर में हम देख सकते हैं जो वाटर नीचे से ऊपर आ रहा है, लेकिन कब वाटर ऊपर आ रहा है, जब लीव्स में वाटर लॉस हो रहा है, मतलब जब लीव्स में ट्रांसपिरेशन हो रहा है तभी नीचे से वाटर ऊपर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या, जब लीव्स में ट्रांसपिरेशन होता है तो लीव्स में वाटर का अब्सेंस होता है, वाटर प्रेजेंट नहीं होता, तो नीचे से वाटर ऊपर आ जाता है।